हे गाइस, गुड मॉर्निंग, हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जा रहे हैं अलीपुरद्वार से सिलीगुड़ी, तो चलिए चलते हमारे साथ और सफ़र का मजा लीजिए। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम हैं अलीपुरद्वार जंक्शन रेलवे स्टेशन में। आज हम जा रहे हैं अलीपुरद्वार जंक्शन से सिलीगुड़ी तक और हमने टिकट खरीद लिया है। ये है टिकट काउंटर और अब हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म की ओर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने नोटिस किया है कि ये वीडियो हम हिंदी में कर रहे हैं क्योंकि व्यूवर्स की डिमांड है, जो लोकल वीडियोस हैं वो हिंदी में किया जाए और ज़्यादातर लोग हिंदी अच्छी तरह समझते हैं और ये वीडियो मेरे होम टाउन के बहुत नज़दीक है, इसीलिए मैं ये वीडियो हिंदी में कर रहा हूँ, पर इंग्लिश सबटाइटल्स ज़रूर रहेगी। तो हम हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और आप देख रहे हैं आपके सामने जो ट्रेन खड़ी है वो है इंटरसिटी एक्सप्रेस। सो ये जाएगी अलीपुरद्वार जंक्शन से NGP तक, दैट इज़ न्यू जलपाईगुड़ी, जो कि सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा स्टेशन है। तो हम जाएंगे इस ट्रेन में, तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं अलीपुरद्वार जंक्शन स्टेशन की एक नज़ारा ओवर ब्रिज के ऊपर से, जो फुट ओवर ब्रिज है स्टेशन में। अभी अलीपुरद्वार जंक्शन में 5 प्लेटफॉर्म हैं और शायद भविष्य में इन फ्यूचर और भी बढ़ेंगे। नीचे आप देख सकते हैं 2 ट्रेन्स, ये एक जा रही है असम की ओर और दूसरी जा रही है सिलीगुड़ी की ओर। यही प्लेटफॉर्म में खड़ी है 2 ट्रेन। सो हमें चढ़ना है सिलीगुड़ी वाली ट्रेन पे, तो चलिए चलते हैं। चलिए चढ़ते हैं ट्रेन पे और देखें अंदर कैसा है। ओह, काफ़ी अंधेरा है यहाँ पे। ये सुबह की ट्रेन है इसीलिए खिड़कियाँ अभी तक खुली नहीं है और इसलिए शायद अंधेरा है अंदर। चलिए खिड़की खोल लेते हैं और विंडो सीट ले लेते हैं, मेरे ख्याल से यही बेस्ट रहेगा। हाँ, अब ठीक है, अभी लाइट सफिशिएंट है अंदर और दोनों खिड़कियाँ मैंने खोल दी है। और आपके सामने जो मैडम बैठी है वो एक्चुअली हमारे चैनल के ओनर है और ये हमारे साथ ट्रैवल करी है आज। आप देख सकते हैं कंपार्टमेंट लगभग खाली है, बाकी के कंपार्टमेंट्स में भी लगभग हालत एक ही है, लेकिन एक दो स्टेशन के बाद भी इतनी बढ़ जाती है कि कभी कभी खड़ा रहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज हम जिस रूट पे जा रहे हैं उसका ऑफिशियल नाम है न्यू जलपाईगुड़ी अलीपुरद्वार सम्मुखतला रोड लाइन और ये आसाम रेल लिंक, जो कि 1947 पार्टीशन के बाद आसाम को रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ कनेक्ट करने का एक प्लान था, उसके दौरान ये लाइन स्थापना की गई थी। लेकिन ये जो स्टेशन है अलीपुरद्वार जंक्शन, ये तो और भी पहले से है, वो कुछ भी है रेलवे के ज़माने के टाइम से है, जो कि 1901 में लालमोनी हाट से जयंती तक एक रेल लिंक था कुछ बिहार रेलवे का, उसका एक स्टेशन हुआ करती थी अलीपुरद्वार जंक्शन। तभी जंक्शन नहीं था लेकिन स्टेशन ज़रूर था। सो गाइस, ट्रेन चल पड़ी है और हम निकल चुके हैं और जा रहे हैं अलीपुरद्वार जंक्शन से। सो गाइस, अब हम हैं राजाभात के जंगलों में, आप देख सकते हैं, और ये बक्सा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पड़ता है, बक्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हम पहुंच गए राजाभात कौवा, जो कि पहला स्टेशन है। और ये सामने है स्टेशन की पुरानी बिल्डिंग, जो कि स्टेशन के एकदम शुरुआत से है, ब्रिटिश पीरियड से। और ये वाली है नई बिल्डिंग, जो कि बाद में बनाई गई है स्टेशन को, जब ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया गया था 2007 में। तो हम चल पड़े हैं राजाभात कौवा से आगे और आप आपके सामने देख सकते हैं दूर डीमा रिवर ब्रिज, जो कि एक पॉपुलर टूरिस्ट व्यू पॉइंट है अलीपुरद्वार में। तो गाइस, हम पहुंच गए हैं हसीमाड़ा और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये जाती है भूटान की तरफ फुलसिलिंग। और अगर आपको भूटान में जाना है फुलसिलिंग या जायगांव, तो आपको स्टेशन पे उतरना पड़ेगा, यहाँ से आपको भूटान की गाड़ी मिल जाएगी। यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स का एक एयरबेस भी है, हसीमाड़ा एयरफोर्स बेस, और यहाँ पे एक इंडियन ऑयल की स्टोरेज और पंपिंग डिपो भी है।
हम चल पड़े हैं हाशिमारा से सिलीगुड़ी की तरफ, और आप देख रहे हैं कि ये है एशियन हाईवे 6 फ्लाईओवर की एक पार्ट जो कि भूटान की तरफ जाती है। NH31C से डायरेक्टली ये शॉर्टकट है अभी भूटान की तरफ, और यहाँ से हाशिमारा टाउन को बाईपास करते हुए रोड जाती है। तो दोस्तों अभी हम पार करने वाले हैं तोरसा नदी। तोरसा नदी नॉर्थ बंगाल में सबसे बड़ी नदियों में से एक है, और सामने जो पहाड़ी आपको दिख रही है वो अगर दिन साफ रहा, मौसम साफ रहा तो बहुत ही अच्छा दिखता है। आज थोड़ा सा क्लाउडी है इसीलिए साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन वो जो भूटान की पहाड़ियाँ हैं बहुत ही अच्छी दिखते हैं यहाँ से। और ये जो फॉरेस्ट एरिया में अब हम घुसे हैं ये जल्दापारा नेशनल पार्क के अंडर पड़ता है, और अगर आप लकी हो तो यहाँ पे आपको हाथी या गेंडा दिख सकता है। दोस्तों सुबह के 8:30 बज रहे हैं और 2.5 घंटा हो गया है हमें रवाना हुए। अब हम नागराकाटा के आसपास हैं, और आप देख सकते हैं कि आसमान थोड़ा सा साफ हुआ है, और जो पहाड़ी है दूर आपको दिखाई दे रहा है, कुछ में से ज़्यादातर भूटान की पहाड़ियां हैं और कुछ कुछ इंडिया है। पर ये नज़ारा जो है बहुत बहुत ही खूबसूरत है, और डुअर्स में जब बाहर से लोग आते हैं तो इसी नज़ारे के दीवाने बन जाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ट्रेन से बहुत धुआं निकल रहा है, और यहाँ पे ट्रैक इलेक्ट्रिफाइड नहीं है सो डीजल इंजन चल रही है, और हम चालसा के बहुत करीब है। आप देख रहे हैं ट्रेन दाहिनी तरफ मुड़ रही है, और इस टर्न के बाद ही चालसा स्टेशन आने वाली है। ओ ये रहा चालसा स्टेशन, हम पहुँच गए हैं, और ये एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ का चालसा, जो बहुत सारे टूरिस्ट लोग देखने को आते हैं यहाँ पे। नेचुरल ब्यूटी बहुत ही अच्छी है, और पिकनिक के सीज़न पे तो यहाँ पे लोग भरे पड़े रहते हैं, पिकनिक स्पॉट बहुत ही मशहूर है यहाँ का। और यहाँ चालसा में मशहूर गुडरिक चाय की कंपनी का एक फैक्ट्री भी है जो आप अपने सामने देख सकते हैं यहाँ पे। इस रेलवे रूट की बात ही कुछ ऐसी है कि आप अगर खिड़की से बाहर नज़र रखें तो आप बोर कभी नहीं होंगे, आपको देखने को बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं न्यू माल जंक्शन जो कि माल बाजार का रेलवे स्टेशन है, और इस रेलवे स्टेशन के साथ मेरी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी है। जब मैं छोटा था और सिलीगुड़ी जाया करता था ट्रेन पे तब मीटर गेज लाइन थी, और यहाँ पे इस रेलवे स्टेशन में बहुत अच्छे समोसे मिलते थे, वेंडर समोसे लेके उठ जाते थे ट्रेन पे, और समोसे बिकते थे 50 पैसे 1 रुपये, ऐसा रेट हुआ करता था पहले, और समोसे बहुत अच्छे मिलते थे तब। लेकिन अभी जो समोसे मिलते हैं यहाँ पे उनकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब है, और वो वाली बात तो है ही नहीं अब, लेकिन वो समोसे वाली जो याद है वो मेरे जहन में हमेशा रहेगी स्टेशन के साथ जुड़ी। तो गाइज़ हम अभी है बागड़ाकोट और ओदलाबाड़ी के बीचों बीच, और अब देख रहे हैं कि पहाड़ी का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, और एक रिवर बेड है आपके सामने आप देख रहे हैं, यहाँ से बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये जगह। आपको ये नज़ारे कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, और अगर आपको कोई स्पेशल मेंशन करनी है किसी जगह के बारे में वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपके कमेंट्स का इंतज़ार हमें रहेगा, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
हम अभी हैं बागड़ाकोट के चाय बगीचे में और हाल ही में हमने बागड़ाकोट स्टेशन क्रॉस किया है और आप जो देख सकते हैं रेल के पटरियों के जो फेंसिंग है यहाँ पे चाय के बगीचे के साइड में, वो हाथियों को रेल लाइन पर आने से रोकने के लिए है ताकि हाथी सीधा रेल लाइन पर ना चले आए ट्रैक्स पे और एक्सीडेंट्स ना हो। वो जो सड़क आप देख सकते हैं वो है NH-31C जो इसी रेल रूट के इर्द गिर्द चल रही है और कभी कभी दाएं तो कभी बाएं, लेकिन साथ ही चल रही है इस रेलवे ट्रैक की और बहुत ही सुंदर लगता है जब जो रेल रूट और ये सड़क आस पास में हो। तो दोस्तों इस टर्निंग के बाद हम जाएंगे एक टनल के बीच में से, एक्चुअली दो टनल्स हैं, ये रहा पहला, ये वाला थोड़ा छोटा है और सामने वाला थोड़ा बड़ा है। आप देख सकते हैं दूसरी टनल अभी भी आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगी, वो दूर दिखाई दे रहा है उसकी एंट्री, और ये रहा दूसरा टनल, ये वाली थोड़ी बड़ी है और आप देख सकते हैं ट्रेन के अंदर पूरा अंधेरा छाया हुआ है, सिर्फ ट्रेन की लाइट्स थोड़ी जल रही हैं बस। तो हम निकल गए हैं टनल से और अब हम जा रहे हैं सेवोक की ओर और वहाँ पे है तीस्ता नदी जो हम पार करने वाले हैं अभी। सो गाइस आप देख रहे हैं अब हम पार कर रहे हैं तीस्ता नदी और तीस्ता नॉर्थ बंगाल की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और दूर आप देख सकते हैं कोरोनेशन ब्रिज जो कि ब्रिटिश पीरियड से यहाँ पे खड़ी है और NH-31 में है ये ब्रिज। और ये रेलवे ब्रिज खत्म होते ही हम पहुंच जाएंगे सेवोक रेलवे स्टेशन में जो कि बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है। और ये सड़क जो आप देख रहे हैं NH-10 वो जाती है सिक्किम की ओर। वेल गाइस हम पहुंच गए हैं सेवोक, ये एक छोटा सा स्टेशन है तीस्ता नदी के किनारे और इस स्टेशन की एक बहुत ही ख़ास बात है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। ये देखिए स्टेशन को कैसे सुंदर तरीके से पेंट किया गया है, स्टेशन की जो बिल्डिंग है उसको एक ट्रेन के कंपार्टमेंट के जैसे पेंट किया गया है, पूरे नीले रंग का एक ट्रेन के डब्बा दिख रहा है जैसे। और यहाँ से जो सिक्किम रेलवे कनेक्शन नया कनेक्शन लगने वाला है तो इसी स्टेशन से शुरू होगी और 20 टनल के बाद वो सिक्किम पहुँचेगी। सो सिक्किम का नया रेलवे सेवोक से शुरू होने वाली है। सो गाइस अब हम पार कर रहे हैं महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया। आप देख रहे हैं कि रेलवे ट्रैक और जंगल के बीच में जो इस पाथ से बना ये फेंसिंग है, इस पाथ के रॉड से, एक्चुअली ये रेलवे लाइन से इससे बना फेंसिंग हाथियों के लिए है जो अक्सर आया जाया करते हैं इन लाइनों पे, वो उन्हें रोकने के लिए फेंसिंग बनाया गया है। मैंने पहले भी कहा था आपसे, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। दोस्तों हम अब निकल रहे हैं महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बाहर और ये जो एक छोटा सा ब्रिज है इसके बाद आएगा स्टेशन गुलमा जो कि एक हॉल स्टेशन है और गुलमा सिलीगुड़ी जंक्शन पहुंचने के पहले आखिरी स्टेशन है, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे सिलीगुड़ी जंक्शन। और यहाँ से भी नज़ारा बहुत खूबसूरत है, एक्चुअली यहाँ पे कई मूवीज़ की भी शूटिंग हो चुकी है।
गाइस हम पहुंच गए हैं सिलीगुड़ी में और स्टेशन सामने दिख रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे उतरने वाले हैं और ये सिलीगुड़ी की दूसरी सबसे बड़ी स्टेशन है। तो हम पहुंच गए हैं प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग उतर गए ट्रेन से, लेकिन हम अगले स्टेशन तक जाएंगे जो है सिलीगुड़ी टाउन। और फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ सिलीगुड़ी जंक्शन के प्लेटफॉर्म। यहाँ पे थोड़ी देर ट्रेन रुकने वाली है 5-10 मिनट, सो मैं आपको दिखा देता हूँ इस टाइम में स्टेशन के प्लेटफॉर्म में उतर के। और हमारी ट्रेन जो है अंदर कंपार्टमेंट काफ़ी खाली हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो गाइज हम फिर से चल पड़े हैं और अब हम जा रहे हैं सिलीगुड़ी जंक्शन से सिलीगुड़ी टाउन और एनजीपी की तरफ। लेकिन मैं पूरी दूरी एनजीपी तक नहीं जाऊंगा, मुझे सिलीगुड़ी टाउन में उतरना है और मेरा स्टेशन अभी आने वाला है। सो आप लोग बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो आखिर में मैं पहुंच गया हूँ सिलीगुड़ी टाउन और अब मुझे जाना है शहर की ओर, जो मुझे पैदल चल के जाना है इस तरफ। और दोस्तों अगर आपको कुछ कहना है या फिर कुछ सजेशंस देनी है या फिर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो देखनी है तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। और वो आप देख सकते हैं कि दार्जिलिंग का जो टॉय ट्रेन है वो गुजर रही है सिलीगुड़ी टाउन स्टेशन से हमारे पास से ही। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपका कमेंट्स और सजेशंस के इंतज़ार रहेगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।